अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था उमर, स्प्रिंग 14, फिर किया है वो तो वो आपको सूचन देके आ जाएगा समझ। स्प्रिंग 14 मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो मसले हो सकते हैं वो मैं कर देता हूं डिस्कस, उसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। मैंने इसका सोल्यूशन शेयर किया था आपसे। इसमें क्या करना है, टेम्परेचर तो है ऐसे ही, तो क्या दो हजार 13 का डाटा दिया हुआ है, कुछ कॉपीज कही है मैंने करवाने के लिए। टीएस वाले ग्रुप कॉपीज का भी ध्यान रखा करो ना यार, है अच्छा मिड टर्म अब अगले वीक से आगे चला गया, तो अब अगले वीक में फिर ये मार्जिनल अडॉप्शन का टेस्ट है, टेस्ट 7 मार्जिनल अडॉप्शन का। है जी, बेकार क्वेश्चन है, स्प्रिंग 14। और ये जो लोग अभी अगर खुद से सोच बैठे होंगे कि ट्रिप जाना है तो छुट्टी होगी, कोई छुट्टी नहीं है, क्लास है। जिसने ट्रिप पे जाना होगा जाए, है क्या कह रहे थे? हाँ तो वो जो जा रहे होंगे उनकी नहीं होगी, नेचुरल सी बात है, वो तो चले गए होंगे, उनकी नहीं हो रही होगी क्लास। क्लास होगी और उसका हल वही जो अल मशहूर यूट्यूब वाला, तो वो हल होगा, लेकिन क्लास तो होगी, क्लास ऑफ नहीं होगी। हाँ जी, स्प्रिंग 14 में दिसंबर 2013 का डेटा दिया हुआ है, कर रहा हूं डिस्कस के नहीं कर रहा हूं, नहीं करना तो आगे चलते हैं।
दिसंबर 13 का डाटा दिया हुआ है, सेल प्राइस है, कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एफओएच सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई है, ये 13 का डाटा है। और अब आगे ये 13 ही की इन्फॉर्मेशन है सारी, और रिक्वायरमेंट है 2013 ही की इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन से भी और मार्जिन से भी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल साइज का एक सवाल है। वही तीन वर्किंग्स, प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। ये 630 189 ये दी हुई है, लेकिन ये टोटल एफओएच दिया हुआ है, इसको 60-40 में तोड़ लेते हैं। ये 60-40 में तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? क्योंकि मार्जिन से भी सवाल करना है तो हमें ये चाहिए, और एब्जॉर्प्शन से करना है इसलिए ये भी चाहिए। तो ये इस 220 को दो में तोड़ा है, ये 2013 है। 2012 की फिगर्स निकालनी पड़ेंगी। क्यों निकालनी पड़ेंगी? क्योंकि पिछला सवाल जो क्लास में किया था उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर दी हुई थी, अब हमें नहीं दी हुई है। हमें जहां इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखने पड़ेंगे, तो हमें यहां ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट चाहिए। तो वो जो ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट होगी वो पिछले साल के क्लोजिंग थे, तो ये जो इस वक्त पर यूनिट कॉस्ट 13 की अवेलेबल है, हमें 12 की भी चाहिए होगी। कल वाले परसों वाले साल में जरूरत क्यों नहीं पड़ी इसकी? क्योंकि ओपनिंग की फिगर्स गिवन थी, अब नहीं गिवन है। अब हमें 12 का भी रेट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए सवाल में गाइडेंस है ये। और ये शुरू शुरू की क्लासेस में ये प्रैक्टिस कराई थी, खैर वो तो बात भूल गई होगी, लेकिन वैसे अब इतने कॉस्ट के चीते चीतियां हो गए हैं कि ये जो आपको इधर खर्चे नजर आ रहे हैं मटेरियल लेबर और एफओएच के, ये जो खर्चे यहां सामने लिखे हुए 100 नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं, ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10%। किसका 10%? ओवर द प्रीवियस ईयर। तो इस 10% की बात के लिए बेस क्या है? पिछला साल। 10% इंक्रीज बाय 10% ओवर पिछला साल, यानी पिछले साल से 10% बढ़ गया है, तो बेस पिछला साल है, तो ये वो 10% बढ़ी हुई फिगर है। लेबर और मटेरियल ये 5% बढ़ी हुई फिगर है, तो ये 105 है। तो पिछले साल 100 था, ये 105 पे 100 पे चले गए, और ओवरहेड्स 110 है, तो 110 से 100 पे चले गए। ये पिछले साल की फिगर्स आ गई। ये काम हम पर यूनिट चीजों के साथ तो कर सकते हैं कि ये रेट था। देखिए मैंने ना आपको वेरिएबल फिक्स पढ़ाई थी, दफा पुरानी बात है बहुत शुरू शुरू में, एक बात दोबारा बोलता हूं, ये जो वेरिएबल खर्चे होते हैं ना, ये ओरिजिनल हालत इनकी पर यूनिट शक्ल होती है, और जो फिक्स खर्चे होते हैं उनकी टोटल फॉर अ पीरियड होती है। वेरिएबल खर्चों की ओरिजिनल शक्ल एक रेट पर यूनिट की शक्ल होती है, और फिक्स खर्चे टोटल फॉर अ पीरियड होते हैं। ये मैंने बिल्कुल शुरू शुरू में बातें बताई थी। डायरेक्ट मटेरियल की ओरिजिनल शक्ल ये है कि इस साल में टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 4.5 मिलियन है, डायरेक्ट मटेरियल की नहीं, एक यूनिट बनाएंगे तो 40 रुपए का मटेरियल लगेगा, ये उसकी ओरिजिनल शक्ल है। इसी तरह लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल, ओरिजिनल रेट ये है कि इस साल में 5 मिलियन की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, नहीं पर यूनिट या पर आर। इसी तरह मटेरियल, या तो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या पर केजी। तो वेरिएबल चीजें ओरिजिनली पर यूनिट हुआ करती हैं, जबकि फिक्स्ड खर्चे ओरिजिनली टोटल फॉर अ पीरियड होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट। 13 का पर यूनिट रेट 12 से इतना ज्यादा था, 12 के किससे ज्यादा था? पर यूनिट रेट से। तो हमने इससे पिछले साल के पर यूनिट रेट बना लिए, लेकिन जो फिक्स्ड है ये लिखा बेशक यहां पर यूनिट हुआ है, लेकिन इसकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट नहीं होती है, ये टोटल फॉर अ पीरियड होता है। तो अगर बात की जा रही है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने परसेंट बढ़ गए हैं, तो वो किन की बात हो रही है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स की। ये बात दोबारा समझिए, मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये जो वेरिएबल चीजें हैं ना, इनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट हुआ करती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उनकी ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अपील। ओरिजिनल हालत से मेरी मुराद है जब वो कोट किए जाते हैं, जब वो रेट बताए जाते हैं। रेंट पर यूनिट क्या के कोट होता है? नहीं। किसी शख्स की मंथली सैलरी पर यूनिट क्या के कोट हो रही है? नहीं। तो फिक्स्ड खर्चे टोटल फॉर अ पीरियड है उनकी असल हालत, और जो वेरिएबल खर्चे हैं उनकी असल हालत एक रुपीज पर यूनिट चीज है। टोटल तक पहुंचना हो तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें इस वक्त यहां पर ये पर यूनिट चीजें गिवन है। मटेरियल लेबर ओवरहेड के बारे में ये कहा है कि जो मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वो पिछले साल से इतने ज्यादा हो गए, तो ये पिछले साल के रेट से इतने ज्यादा हो गए। जो अभी पर यूनिट चीजें हैं ना, वो पिछले पर यूनिट से इतनी इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन फिक्स ओवरहेड के बारे में जब ये बहुत बात बोली जा रही है कि 10% ज्यादा हो गया है, तो ये इस रेट की बात नहीं हो रही है,
ये टोटल ओवरहेड्स की बात हो रही है कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने जिस साल हैं पिछले साल से ये 10% ज्यादा है। हाँ भाई, नहीं वो साइड पे हो गया आपकी तरफ। पूछा मैंने कुछ सही कह रहे हैं कह रहे हैं आप बताओ। चलो आप बताओ, छोड़ वो ग्लासेस नहीं आ गए, ये ब्राउन शर्ट के साथ वाला। हाँ जी, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या बात की थी मैंने? पूछ रहा हूँ ना यार, अभी क्या बताया वेरिएबल? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती है, वो भी होती है फिर है, लेकिन यहाँ तो पर यूनिट लिखी हुई। किसी को भी समझ नहीं आई? ठीक, ये जो वेरिएबल चीजें हैं, वेरिएबल खर्चे हैं, ये रेट की शक्ल में है और फिक्स्ड टोटल की शक्ल में होती है ओरिजिनली चीज। जब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बढ़ गए हैं कम हो गए हैं, तो वो रेट ही की बात हो रही है कि रेट बढ़ गया कम हो गया। पिछले साल जो उनका रेट पर यूनिट था वही बढ़ने कम होने की बात हो रही है, लेकिन जब फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में बढ़ने कम होने की बात होती है तो वो फिक्स्ड ओवरहेड रेट की नहीं बात हो रही होती, वो टोटल की बात हो रही होती। इनके साथ तो हमने ब्रैकेट में सलूक करके पिछले साल का रेट निकाल लिया, लेकिन पिछले साल का फिक्स्ड ओएआर निकालने के लिए हमें ये लंबा रास्ता ही लेना पड़ेगा। आलो के इस के एंड पे आपको लगे कि वो तो 80 का 88 से ही कर लेते हो तो आंसर आ जाता, वो इत्तफाक से है, वरना हमें इस 88 से 80 बनाने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा। कैसे ये 88 कैसे बना होगा? ये 2013 का ओएआर है ना, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय सवाल में नॉर्मल है डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन करके बना होगा, तो ये ऐसे बना होगा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए होंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड किया होगा, तो ये 88 रुपए निकला होगा। और इस सवाल में हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए। बजटेड क्यों चाहिए? ये इधर ऐसे करने के लिए। एक्चुअल क्यों चाहिए? इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए चाहिए। तो आपको कहा था कि अगर दोनों की जरूरत है लेकिन एक ही की इंफॉर्मेशन है तो बराबर, तो ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल मैंने कहा बराबर है। आल्दो के निकाल मैं यहां से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रहा हूं, लेकिन मैं बाद में उन्हीं को एक्चुअल ही कह दूंगा। तो मैंने इस 88 ओएआर के फार्मूले से रिवर्स चल के जैसे कल सवाल में किया था, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल लिए 13,20,000, ये 13 के ओवरहेड्स आ गए, ये 12 से 10% ज्यादा है। तो 12 में कितने थे? 0.9 नहीं, ये ज्यादा है, ये 110 है, तो पिछले साल 100 थे, ये जो ऊपर किया था अभी ये पिछले साल के ओवरहेड्स आ गए। अब ये पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स, यही पिछले साल के बजटेड भी होंगे। पिछले साल का ओआर निकाला, ये मैंने पिछले साल का ओआर निकाला है, ये 80 अब मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो चेंज है वो इन टोटल फिगर वाली के चेंज है, तो मैं यहां से डायरेक्टली यहां नहीं आ सकता। यहां से क्यों आ गए डायरेक्टली? क्योंकि ये ओरिजिनली पर यूनिट चीज होती है, और अगर कहा जा रहा है कि मटेरियल महंगा हो गया है तो ये रेट के महंगे होने की बात हो रही है, अगर कहा जा रहा है कि लेबर महंगा हो गया तो ये लेबर रेट के महंगे होने की बात हो रही है, लेकिन जब कहा जा रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ गए तो ये टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स के बढ़ने की बात हो रही है। तो हमें इससे ये फिगर निकालने के लिए पिछले साल के ओएआर तक ही जाना था, तो पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाले पिछले साल के, उनसे पिछले साल का ओएआर निकाला, ये 80 यहां लिखा है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट 13 और 12 की सामने कैलकुलेट की। 12 की कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ठीक है, बांट दो, हाफ हाफ कर दिया करो यार, वहीं से आधे इधर कर दो, वहीं से आधे इधर कर दो, पहुंच जाएंगे आगे खुली। फिर आप कैमरे के सामने आते हो ना, फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती। ये और ये फिगर्स क्यों निकालनी पड़ रही हैं? ओपनिंग की वजह से, वरना पिछले सवालों में इसलिए जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ओपनिंग गिवन था। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है, 3 वर्किंग्स करनी करनी, ये मैंने उसमें से पहली वर्किंग बताई। वर्किंग 2 यूनिट्स की मूवमेंट बनानी है, ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग गिवन था, प्रोडक्शन गिवन थी, सेल्स नहीं थी, ये सेल्स निकल आई।
और तीसरी वर्किंग, तो OAR ऊपर निकाल चुके, एक्चुअल प्रोडक्शन ये है, अप्लाइड आ गए और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वही जो अभी बजटेड निकाले थे उन्हीं को अज्यूम किया था कि ये एक्चुअल है। क्यों अज्यूम किया था? क्योंकि एक्चुअल तो है ही नहीं दिए हुए, इसलिए बजटेड को ही एक्चुअल मान लिया। ये 13-20 ये एक्चुअल मान लिए, ये अंडर ओवर अप्लाइड निकला है। पिछले टेस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से वाले हैं ये, 4 और 5? अच्छा ठीक है जी, 4 5 वाले कलेक्ट कर लीजिएगा। ये 3 वर्किंग हो गई, इन्हीं 3 वर्किंग्स की बेस पे सेल प्राइस सवाल में दी हुई थी ये, और यूनिट सोल्ड निकाल लिए, ये सेल्स आ गई। ये यूनिट तीनों अवेलेबल हैं, मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं तो मार्जिनल वाली फिगर देनी, ये ओपनिंग के लिए और ये COGM और क्लोजिंग के लिए। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गई, इसमें से अब माइनस करनी है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो है सवाल में ऐसे। इस 165 में से 40% वेरिएबल है, 60 फिक्स है ना, तो 40% वेरिएबल है। यहां पर बात फिक्स्ड कही हुई थी तो बाकी वेरिएबल था, यहां फिक्स्ड कहा हुआ है तो बाकी वेरिएबल है, तो इसमें से 40% वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, ये वो 40% है। 165 का 40%, ये 66 इधर यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई हो गया। नेट कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड एफर्ट्स निकाल चुके, सेलिंग खर्चे फिक्स्ड ओवरहेड्स ये से निकाल ली। क्या सब वगैरह आंसर आ रहा है? 80% कहाँ है? 80% किधर है? एटी कैसे आएगा? अच्छा ये जो मैंने इतनी लंबी यहां कहानी सुनाई है ना, वो दोबारा सुनो। इनको 110 से 105 से 100 पे ले आए, तो इसको भी 110 से 100 पे ले आए, यही आएगा। अगर आप इसको 110 से 100 पे ला रहे हैं तो इसको भी 110 से 100 पे ले आए, बस 80 आएगा। क्या क्या क्या, ये 80 कैसे निकालना है बताओ? हाँ तो आप यही कर रहे हैं ना, आप जिस तरह इनको कर रहे हैं वैसे ही आपने 88 को कर लिया, तो अभी तो आंसर सेम आ गया। लेकिन ये सही तरीका इसलिए नहीं है कि फिक्स्ड पर यूनिट को ही चेंज करके पिछली पर यूनिट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि फिक्स्ड के बारे में जब ये बात बोली जा रही है कि फिक्स्ड ओवरहेड इतने चेंज हो गए हैं, तो वो टोटल की बात हो रही है। ये इत्तफाक से आंसर सेम आ गया, ये क्यों आ गया सेम आंसर? इसलिए सेम आ गया क्योंकि 13 में भी डिनोमिनेटर 15,000 है और यहां भी डिनोमिनेटर 15,000 है, सेम यूनिट से डिवाइड हो रहा है ये भी ये भी। इसलिए चाहे 13,20,000 से 12,00,000 निकाल लिए, चाहे इस पर यूनिट 88 से 80 निकाल लें, इसलिए सेम आंसर आ रहा है। वरना अगर 2012 में डिनोमिनेटर और होता तो फिर आप 88 से 80 तक नहीं पहुंच सकते थे, तो इसलिए रास्ता यही है। ये तो इत्तफाक से बन गया क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें सेम था, अदरवाइज सही रास्ता ये है कि आप पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल तक पहुंचे, फिर टोटल से पिछले साल तक जाएं, फिर उस टोटल के ऊपर नया पुराना OAR निकालें। और इस सवाल में बताएं क्या पूछना, जिन्होंने भी सवाल किया है, और इस सवाल में बताइए क्या पूछना जिन्होंने भी किया है। किन्होंने किया? और कुछ नहीं पूछना इसमें, चले मैं पूछता हूं। ये जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स
या टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, ये पर यूनिट चीज होती है या टोटल चीज होती है? फिक्स खर्चे टोटल, तो ये हमने 1287 तो ऐसे निकाला, ये 1287 कैसे निकाला? फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो वेरिएबल चीज नहीं होगी, नहीं नहीं। अच्छा चलें, मैं शायद अपना सवाल, मैं सवाल नहीं सही पूछ सका। 2014 कोई महंगाई नहीं हुई, 2014 कोई महंगाई नहीं है, 2014 में यूनिट्स बेचेंगे हम, 13 में कितने बेचें? 13,000। 2014 में अगर 14,000 यूनिट्स बेचे, ऐसे खुद से कह रहा हूं, अगर 14 का भी सवाल होता, और फिर कह रहा हूं अब अगले साल कोई मजीद महंगाई ना होती, तो जो 13 की पर यूनिट कॉस्ट है वही 14 में रहती। अब मेरा सवाल यह है कि 2014 की इनकम स्टेटमेंट में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 2014 की इनकम स्टेटमेंट भी अगर होती, 14 की इनकम स्टेटमेंट में वेरिएबल टोटल सेलिंग कॉस्ट कैसे निकल? डेटा सारा इस सवाल वाला है, बस मैं खुद से ऐड कर रहा हूं कि 14 भी होता और कोई महंगाई ना होती, तो बताए ना किसको किससे, फिगर बोले ना, 66 को 14,000 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट कैसे निकालते? 99 को, हाँ बस यही सुनना था मैंने, मेरा सवाल दोबारा सुने, इस सवाल को सॉल्व कर लिया, 13 का ये सवाल सॉल्व हो गया, पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 66 है, पर यूनिट फिक्स सेलिंग कॉस्ट 99 है, हमने इस सवाल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए क्या किया कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में कैसे पहुंचाई, ये क्या किया, 66 को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिक्स सेलिंग कॉस्ट कैसे बनाई, 99 को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल 66 इंटू 13,000 कर दिया और फिक्स 99 इंटू 13,000 कर दिया। अब मेरा सवाल यह है कि अगर सारा डाटा ऐसे ही होता और 2014 में मजीद महंगाई ना होनी होती और 2014 में जाके सेल्स इतनी होती, अब 2014 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे लिखें? नहीं, मैंने कहा नहीं इंक्रीज करती, जो सवाल में 13 में था वही महंगाई मजीद नहीं है, 2014 में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे निकालें? 14,000 डिवाइड, मैंने कहा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले ये पूछा है, 14,000 इंटू 66। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि टोटल फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 99 इंटू 14,000, फिर 1280 यानी यही रहेगी, 1287,000 ही लिख देंगे या 99 इंटू 14,000 कर देंगे, टोटल का आंसर पूछ रहा हूं मैं 2014 में, बस 1287 या 99 इंटू 14,000, पक्की बात है ना? हाँ, बस यही चीज क्लियर करनी थी कि फिक्स्ड खर्चा इन टोटल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये 99 है अगले साल 99 इंटू 14,000 कर देंगे, ये नहीं सही तरीका, ये टोटल अगले साल भी 1287 ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 66 इंटू 14,000। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है दो साल का सवाल होता तो जो एक साल की आप फिक्स कॉस्ट निकाल लेते वही फिर अगले साल होती, ये बताना चाह रहा था मैं सिलेबस। तो फिर अभी 99 कैसे निकला, अभी 99 क्यों निकला, अभी हुआ असल में ये होगा, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी ये हुआ होगा कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होती होगी 66 पर यूनिट, फिक्स्ड होती होगी, नहीं 99 नहीं, 1287000, ऐसी एक चीज बता रहा हूं नॉलेज के लिए। 2013 में इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टोटल वेरिएबल कितनी आ गई होगी, 66 इंटू 13,000, 850, टोटल फिक्स्ड कितनी आई होगी, 1287000, टोटल 2145।
ये मैं ना ऐसे ही बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, जिनको समझ आ गई सबके लिए नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर किसी को ना समझ आई तो। डिवाइडेड बाय 13,000 करें 160, 66 इसका कितने परसेंट है, 66 इसका कितने परसेंट है? सवाल बनाने वाले ने किया ये, असल में क्या हुआ होगा, असल में ये ऐसे होता होगा, ये ऐसे होता होगा, यानी वेरिएबल खर्चा इस तरह से और फिक्स ऐसे होता होगा। सवाल बनाने वाले ने जो सवाल बनाया ना, उसने ऐसे बनाया होगा कि 2013 की ये फिगर्स निकाली होंगी, फिर उसको टोटल यूनिट से डिवाइड किया होगा, फिर इस 165 और 66 का एक रिलेशन बना लिया होगा, और अब फाइनल रिलेशन ये समझ आ रहा है, और फिर ये सवाल में कोट कर दिया कि जो पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट है उसका 40% पोर्शन वेरिएबल है, 60% पोर्शन फिक्स्ड है, उसको इस सवाल की वर्डिंग में ऐसे बना दिया, वरना असल में 99 कुछ नहीं है, यानी असल में ऐसा नहीं है कि वेरिएबल खर्चा 66 पर यूनिट हो और फिक्स खर्चा 99 पर यूनिट, यह बस जबरदस्ती की क्रिएट की हुई कैलकुलेशन है। असल में यह होता होगा, यानी असल में जो हुआ होगा वो ये हुआ होगा कि हमारे सेल करने पे जो खर्चे आने होंगे वो 66 पर यूनिट आने होंगे और फिक्स सेलिंग खर्चे 99 आने होंगे, नहीं 1287 आने होंगे, ये एक साल का टोटल डाटा होगा। सवाल वाले ने उसको इस शक्ल में करके ऐसे पूछा, किसी एक को भी नहीं समझ आया, बस ऐसे ही एक रिलेशन बता रहा था, बस इसमें मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं आपको कि वेरिएबल खर्चे ओरिजिनली रेट की शक्ल में होते हैं और फिक्स खर्चे ओरिजिनली टोटल की शक्ल में होते हैं, यानी ये असल में 1287 था, वैसे ही बस सवाल वाले ने इसको 99 की पहली में पूछ लिया था, वरना इसकी असल हालत 1287 थी। ये स्प्रिंग 14 की डिस्कशन है, इसमें आपने कुछ मजीद पूछना है तो पूछें, डन। अच्छा अब ना करने ये लगा हूं कि मार्जिन एब्जॉर्प्शन तो हो गया खत्म, इसमें ये इनकम स्टेटमेंट ही थी, मार्जिन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको शुरू यहां से कराया था, हो गया बंद, मैंने आपको इस चैप्टर में एक तो मार्जिनल और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक फर्क बताया कि इनका कॉन्सेप्चुअली क्या फर्क है, फिर मैंने कहा था चैप्टर 10 में क्या है, तो चैप्टर 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस जो मार्जिनल पर्पसेस के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, अगर वो बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होता तो इनकम स्टेटमेंट कैसी बनती, और अगर वो बिजनेस अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता होता तो इनकम स्टेटमेंट कैसी बनती, ये था सिर्फ इस चैप्टर के अंदर। अब मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर का होमवर्क चलाऊंगा, लेकिन क्लास वर्क नहीं हो रहा उसका, करने में ये लगा हूं अब कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्टाइल का सवाल और टॉपिक्स की तरफ से पूछा जा सकता है, अच्छा वैसे तो मार्जिनल और अब्सॉर्प्शन के वर्ड्स आपको डिसीजन मेकिंग में भी मिलेंगे, लेकिन मेरा इस वक्त ये बात बताने का मकसद ये है कि सवाल वो जो देखने में आपको लगे तो मार्जिनल अब्सॉर्प्शन का सवाल है, कैसे पहचाना जाता है इस चैप्टर का सवाल, इनकम स्टेटमेंट मांगी होगी दोनों मेथड से, ये इस चैप्टर का सवाल है कि दोनों मेथड से इनकम स्टेटमेंट मांगी होगी और रिकंसिलिएशन करने को कहा होगा, ये खालिसतन इस चैप्टर का सवाल है, तो रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का सवाल है, लेकिन वो मिक्स्ड हुआ होगा, यानी इसका जो स्टाइल बना होगा वो बजटिंग के साथ भी मिक्स हो सकता है, बेशक बजटिंग अब कॉस्ट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बजट क्या होता है, जो फ्यूचर एस्टीमेशन है, हम साल के शुरू में अगले साल का जो प्लान कर रहे हैं वो बजट है, तो वो बजटेड इंफॉर्मेशन से मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल पूछ सकता, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि होगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल लेकिन बजटिंग के स्टाइल में, इसी तरह से होगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल लेकिन सारी कैलकुलेशन उसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग वाली होगी, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस न्यू मटेरियल वगैरह सब कैलकुलेशन प्रोसेस कॉस्टिंग की होगी लेकिन सवाल ये पूछा होगा, इसी तरह से बल्कि बस यही है, क्योंकि बाकी फिर और चैप्टर्स के साथ उसको मैं फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल नहीं समझ रहा हूँ, अदरवाइज वेरियस है। हाँ अदरवाइज जो आगे मैंने वेरियंस का चैप्टर पढ़ाना है उसमें भी बार बार मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का जिक्र आएगा,
लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ऑफिशियली सवाल मैं जिसको कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं, जिसमें दोनों की इनकम स्टेटमेंट मांगी है, वो इन दो में ही मिक्स बनते हैं। पहले मैं अभी बजटिंग वाली बात बताने लगा हूं और एक सवाल उसका होमवर्क देने लगा हूं, फिर कल मैं आपको प्रोसेस वाली बात बताऊंगा और फिर उसका सवाल होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? तो पहले हम बजटिंग वाली बात करते हैं डिस्कस। जी जी पहले मैं बजटिंग से रिलेट कर रहा हूं बात को। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा टिप्स या नई बात सिर्फ इतनी है, जो आप खुद अपने अल्फाज में लिखेंगे, कि इस सवाल में अब तक जहां जहां भी हम एक्चुअल फिगर यूज कर रहे थे, अब वो बजटेड फिगर्स होंगे। जैसे हम लोग जो यूनिट्स की मूवमेंट बना रहे थे, उसमें ओपनिंग स्टॉक था, एक्चुअल प्रोडक्शन थी, एक्चुअल सेल्स थी, अब क्या होगा? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड सेल्स होंगे। अरे अभी कहां से नॉर्मल गेन आ गया यार, वो ये है, वो ये है। अगर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल हो और बजट के स्टाइल में हो, ये बता रहा हूं अभी, प्रोसेस वाली बात कल। अगर बजटिंग के स्टाइल में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल हो, तो सवाल सॉल्व करने में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जहां जहां हम इन सवालों में जो एक्चुअल डाटा यूज कर रहे होते थे, बस अब वो बजटेड डाटा होगा। जैसे मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में नेट कंट्रीब्यूशन से नीचे क्या लेस होता था? कौन से फिक्स्ड ओवरहेड्स? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब क्या हुआ करेंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। जहां जहां भी जो जो चीज एक्चुअल थी, वो बस बजटेड है। इनफैक्ट सवाल करने में फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बस ऊपर लिखा होता था फॉलोइंग एक्चुअल डाटा, बजटेड डाटा लिखा होगा। नंबर्स वही है जो आप यूज कर रहे होंगे, बस जहां जहां एक्चुअल डाटा यूज कर रहे थे, बस अब वो बजटेड डाटा यूज हो रहा हुआ करेगा। एक ये फर्क पड़ेगा। सवाल करने का तरीका सब वही होगा, सिर्फ वो जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी होती है वो एक्चुअल होती थी, अब वो बजटेड दी होगी बस। और दूसरा एहतियात, दूसरी एहतियात इस बात की है, पहली बात लिखने तो दूसरी बताता हूं। दूसरी एहतियात पहले समझ लें, फिर उसका कंक्लूजन बता देता हूं। बजटेड फिक्स्ड एफओएच, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे 3 लाख, बजटेड प्रोडक्शन थी 10,000। ओ यार कितना बना? 30। मैंने कहा सारा सवाल वैसे ही है जैसे पहले करते हैं, बस एक्चुअल की जगह क्या आ जाएगा? बजटेड। तो वर्किंग थ्री भी हम कर लेते हैं फिर। वर्किंग थ्री क्या कर रहा था? अब लाइट निकाल लेते हैं। कैसे? ओ आर इन टू एक्चुअल प्रोडक्शन होता था ना, अब नीचे क्या लिखते थे? एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच। अब क्या लिखूं? बजटेड फिक्स्ड एफओएच। यानी अब अंडर ओवर अप्लाइड ही नहीं होगा, अंडर ओवर अप्लाइड नहीं होगा। अब ये देखना आपके सामने, क्योंकि उसी से ओआर निकाल रहे हैं, फिर उसी को नीचे माइनस कर रहे हैं, फिर नहीं होना। लेकिन ये तब हो सकता था कि अंडर ओवर अप्लाइड आ जाता, अगर अगर मैं यहां नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करता। नॉर्मल प्रोडक्शन 12,000, तो ओ आर होता 25, अप्लाइड आता 25 इंटू 10,000, यहां आता 3 लाख, अब आ जाता अंडर अप्लाइड। इसका कंक्लूजन ये है कि दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि अगर फिक्स्ड ओएआर बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे निकला हुआ है, तो फिर अंडर ओवर अप्लाइड नहीं हुआ करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोडक्शन की बेस पे निकला है, फिर अंडर ओवर अप्लाइड हो सकता है। दोबारा,
मैं आपको ना ये मार्जिन अब्जॉर्प्शन का सवाल, अगर बजटिंग स्टाइल में हो तो उसके लिए टिप्स बता रहा हूं। पहली बात क्या बताई थी कि जहां जहां हम जो चीज एक्चुअल यूज करते थे वो बजटेड होगी बस। और दूसरी बात ये बता रहा हूं कि अगर OAR बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से निकला हुआ है तो फिर कोई अंडर ओवर अप्लाइड नहीं आना, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से निकला हुआ है फिर आ सकता है अंडर ओवर अप्लाइड। ना यार क्या, तो चार दिन हो गए चैप्टर को पढ़ते हुए। OAR में तो बजटेड ही चीजें होती थी पहले, अभी वही बजटेड ही होंगी। किससे इसके लिए होमवर्क है स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर, ये आपको दिया है। सॉल्यूशन पहुंचा है एंड तक? ऑटम 10 है, अच्छा ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 4, यानी सितंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। ICAT के सॉल्यूशन से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ जिन फॉर्मेट से वर्किंग सिखाई है उन फॉर्मेट्स पे बना के दिया आपको बस, वरना फिगर्स वही ICAT वाली है। इसका सॉल्यूशन पहुंच गया सब तक? नहीं आया, नहीं चलना ही वहां से था, खत्म हो गए पेजेस कहीं आपको? किसको नहीं मिला? ठीक है मिल गया। ये ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 4 मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से सवाल है, ये है मार्जिन अब्जॉर्प्शन का लेकिन बजटेड इंफॉर्मेशन। इसमें मटेरियल और लेबर ये अच्छी आर्स और केजीस की कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है, ये करना है, करना है होमवर्क। अच्छा अब ना मैं करने ये लगा हूं कि मार्जिन अब्जॉर्प्शन का चैप्टर तो हो गया खत्म, और जिस तरह इसके डिस्कशन करके होमवर्क दिया है वैसे ही ना मैं कल इसकी भी डिस्कशन करके होमवर्क दे दूंगा। क्लास के हिसाब से तो ये मार्जिन अब्जॉर्प्शन खत्म है। अब एक काम मैं ये कर रहा हूं कि ऐसे ही खुद से छोटे छोटे सवाल करवा के ना कुछ कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं आपको। आपको ये कैलकुलेशंस अगले चैप्टर में काम आएंगी, यानी ये कुछ कैलकुलेशंस की वैरायटीयां हैं, कुछ लॉसेस की कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये किसी चैप्टर में नहीं कराने लगा मैं, बस ऐसी समझ लें कुछ जनरल कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं, अगले चैप्टर में हेल्प होगी इनसे। अब इसको क्या हेडिंग देंगे, क्या करेंगे देख लें, जो मर्जी लिख लें, मैं अब ये किसी चैप्टर के अंदर ये बात नहीं कर रहा, बस आइंदा आप कॉस्ट में जो भी होने लगा है उनमें इन चीजों की हेल्प होगी जो अभी बता रहा हूं, छोटे छोटे सवालों से सिखाऊंगा। लिखे सवाल, लेबर कॉस्ट सवाल लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इन 2019, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इन 2019 500 रुपए पर यूनिट। अब लिखे प्रोजेक्शंस फॉर 2020, प्रोजेक्शंस फॉर 2020, वेज रेट,
वेज रेट विल इंक्रीज बाय, वेज रेट विल इंक्रीज बाय 8%, 8% लेबर एफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट है, लेबर एफिशिएंसी विल इंप्रूव बाय 15%, 15% रिक्वायर्ड है। 2020 की पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या होगी? 2019 की क्या बताई मैंने? हाँ, तो अब रिक्वायर्ड है कि 2020 की पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या होगी? मुझसे रिक्वायर्ड है, आप करना चाहें तो मैं 2 मिनट ठहर जाता हूं। हाँ जी, कितनी? 5 540 459 630 630 469 कैलेंडर किया ऐसी बोल रहे 620 621 535 भी। हाँ जी, 615। बताओ कैसे कैलकुलेट किया? किस पे? ये जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, लेबर कॉस्ट जो पर यूनिट दी हुई है ना 500, ये बनी होगी ऐसे, ये ऐसे बनी होगी, ये यकीनन ऐसे बनी होगी कि लेबर का वेज रेट पर आर होगा। अच्छा, लेबर का वेज रेट बाय डिफॉल्ट पर, हमने पढ़ा था लेबर पर यूनिट भी हो सकता है पर आर, बाय डिफॉल्ट पर आर होता है, बाय डिफॉल्ट पर आर होता है। तो ये 500 रुपए ऐसे बना होगा कि उसका एक वेज रेट होगा, जो मैं ऐसी खुद से बोल रहा हूँ 100 रुपए, और 5 घंटे लगते होंगे उसको एक यूनिट बनाने में। ये मैंने 100 और 5 ऐसी बोला है, आपको बस 500 दिया हुआ है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि शायद ये 500 ऐसे बना हो कि हम उसको पे करते हैं 100 रुपए पर आर, तो उसको पर यूनिट तक कैसे पहुंचाएं? इनटू आर्स पर यूनिट। यार ये कन्वर्जन तो बाएं हाथ का खेल होनी चाहिए, ये रुपीस पर आर रेट है, पर यूनिट तक पहुंचाना है उसको, तो आर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये 5 घंटे लेता है एक यूनिट बनाने में, और उसको 100 रुपए पर आर वेज रेट पे होता है। ये ऐसे बना होगा 500। अब मैंने चेंजेस क्या क्या बताई हैं, वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा यानी महंगाई हो जाएगी, इसकी जगह मैं वर्ड इन्फ्लेशन भी बोल सकता। ये जो मैंने कहा ना वेज रेट विल बी इंक्रीज बाय, तो ये मैं ये भी कह सकता था कि इन्फ्लेशन 8% है, इन्फ्लेशन पैसों के बढ़ने को कहते हैं। तो उसने किसको चेंज करना है अगले साल? ये यानी अगले साल ये 100 की जगह
ये ठीक है। अगर 8% बढ़ाना है तो 1.08 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एफिशिएंसी 15% इंप्रूव कर जाएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब है कि टाइम कम लगेगा, तो जितना टाइम वो पहले लगाता था अब उससे 15% कम लगेगा। तो अब ये महंगाई और एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट, हमने दोनों अलग अलग डालनी होती तो महंगाई को इसमें एडजस्ट करता, टाइम इंप्रूवमेंट को इसमें एडजस्ट करता। अब मुझे ना 100 पता ना 5 पता, मुझे तो 500 पता है, तो होना तो सबने मल्टीप्लाई ही है ना, ये हो तो सारे मल्टीप्लाई ही रहे हैं आपस में। तो हम इस 500 को ही इनटू प्राइस चेंज कर दिया मैंने, और इनटू ये आगे टाइम की एफिशिएंसी डाल दी 4-5। हाँ जी ठीक है, चलें और लिखें सवाल, कर ले नोट कर ले। ठीक है नोटेड, चलें अगला सवाल लिखें। टोटल वेरिएबल FOH, टोटल वेरिएबल FOH टोटल वेरिएबल FOH 2019 के 640,000 640,000 6,40,000। अच्छा बने कैसे होंगे ये 640 कैसे आया होगा? वेरिएबल FOH पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। प्रोजेक्शंस फॉर 2020 लिखें, प्रोजेक्शंस फॉर 2020 नहीं एक 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 फिगर और लिख लें, टोटल फिक्स्ड FOH भी लिख लें 2019 की, 2019 की टोटल फिक्स्ड FOH भी लिख लें 240,000 240,000। चलें अब प्रोजेक्शंस फॉर 2020, इन्फ्लेशन फॉर ओवरहेड्स, इन्फ्लेशन फॉर ओवरहेड्स 10%, और अगली बात प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय 20%, प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी पिछले साल जितनी प्रोडक्शन हुई थी अगले साल उससे 20% ज्यादा होगी, और ओवरहेड्स की इन्फ्लेशन जो है वो 10% रिक्वायर्ड है आपसे कि 2020 की टोटल वेरिएबल FOH की फिगर बता दें और टोटल फिक्स्ड FOH की फिगर बता दें। वही जो 19 की फिगर दी है ना तो वो 20 की बता दें।
हाँ जी टोटल वेरिएबल एफ ओ एच यहां पर ये मैंने दोनों चेंज का फैक्ट क्यों लिया था क्योंकि 500 रुपए में वेज रेट भी है और जितने वो घंटे लगाता है वो भी है टोटल फिक्स्ड एफओएच का क्या करो पिछले साल कितनी थी इसमें मैं सिर्फ इन्फ्लेशन कवर्ड क्यों क्योंकि ये एक टोटल फिगर ही थी जिसने बस सिर्फ इन्फ्लेट ही हो जाना है 2,6,4 क्योंकि टोटल फिक्स्ड एफओएच का तो यूनिट से ताल्लुक ही कोई नहीं था तो यूनिट्स बढ़ेंगे तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको सिर्फ महंगाई का फर्क पड़ेगा लेकिन जो टोटल वेरिएबल एफओएच थे ये बने थे एक पर यूनिट रेट इनटू यूनिट्स प्रोडक्शन करके तो जो पर यूनिट रेट था उस पर महंगाई का असर आएगा जैसे ये थोड़ा होता ना ये टोटल वेरिएबल एफओएच ये बने कैसे होंगे रेट इनटू यूनिट्स करके ये इन दो चीजों से मल्टीपल होकर बना होगा तो अगर रेट में भी चेंज आ रही है इसमें भी चेंज आ रही है तो इसका मतलब दोनों चेंजेस इसमें आएंगे पिछले साल कितने थे ये महंगाई भी होनी है और यूनिट्स भी बढ़ जाने अच्छा अब बोल रहे हैं ज्यादा स्टूडेंट तो लग रहा है कि सबको समझ आ रही है लेकिन अगर किसी को नहीं आ रही तो बेटे पूछें फिर इसमें मैंने 1.2 क्यों नहीं किया क्योंकि फिक्स एफओएच का यूनिट से नहीं है तालो ठीक है जबरदस्त कितना हो गया 8,44,8,33 चलिए अगला सवाल लेते हैं हाँ जी बताऊं 2019 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 600 रुपए अच्छा मैंने आपको लेबर के बारे में कहा कि बाय डिफॉल्ट वो वेज रेट पर आर होता है ना और अब से ऑनवर्ड जो हम मटेरियल जब भी आगे यूज़ किया करेंगे तो जनरली ऐसे ही होगा कि ये मटेरियल कोई किलो लीटर की चीज़ हुआ करेंगे वो अपने पर किलो से मल्टीप्लाई हुई होगी तो ये 600 बना होगा यानी ये यूनिट जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है ना ये प्रोडक्ट का एक यूनिट ये प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट है यकीनन कुछ किलो इंटू रुपए पर किलो तो 600 बना होगा ठीक है प्रोजेक्शंस फॉर 2020 due to use of a better quality of material due to use of a better quality of material material consumption will be reduced by repeat kar raha hu due to use of a better quality of material the material consumption will be reduced by 7% नेक्स्ट पॉइंट दिस न्यू मटेरियल ये जब हम एक डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे होंगे विल कॉस्ट 12% मोर या 12% हायर कह लें विल कॉस्ट 12% हायर यानी जो पिछले साल हम जो मटेरियल खरीदते थे अब हम उससे वाला मटेरियल यूज करेंगे तो फिर मिलेगा भी उससे महंगा नेक्स्ट पॉइंट ये सब 2020 की प्रोजेक्शन है
टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय, टोटल प्रोडक्शन यानी पिछले साल जितने यूनिट्स बनाए थे टोटल, तो टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 10%। जैसे अभी पिछले सवाल में मैंने बताया ना प्रोडक्शन 20% बढ़ेगी, तो उस तरह से कह रहा हूँ कि पिछले साल जितने यूनिट्स बने थे अगले साल अब 10% ज़्यादा बन जाएंगे। चले, रिक्वायर्ड है आपसे 2020 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या जी? नहीं नहीं, मैं गुड्स की प्रोडक्शन की बात, प्रोडक्शन गुड्स की होती है। पिछले साल जितने गुड्स बनाई थी, जितने फिनिश गुड्स बनाए थे, अगले साल उससे ज्यादा 10% ज्यादा फिनिश गुड्स बनेंगे। की डायरेक्ट ये जो 19 में 600 रुपए दिया ना, 2020 में क्या है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? ये 600 कैसे बना होगा? कोई रुपीस पर केजी थे इनटू कुछ केजीस पर यूनिट होते होंगे, यानी एक यूनिट में इतने किलो लगते होंगे और इतने रुपए वाला एक किलो होता होगा। ये इन दो चीजों से मिलके बना हुआ है यकीनन 600 रुपए। एक यूनिट में इतने किलो लगता है, इतने रुपए किलो वाला। क्या क्या चेंज करूं? जो मटेरियल जितने का मिलता था वो महंगा हो जाएगा 1.12, लेकिन जितने किलो लगता था उससे कम लगेगा 0.93, और बस। इनटू 1.1 क्यों नहीं किया? अरे मैं पर यूनिट चीज कर रहा हूं भाई, इसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ने से क्या ताल्लुक है? पिछले सवाल में क्यों कर दिया था ये? क्योंकि टोटल वेरिएबल एफओएच लिखे हुए थे मैंने। देखें, पहले मैंने टोटल वेरिएबल एफओएच पूरे साल के लिखे थे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो टोटल और ज्यादा होगा। ये मैंने पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट की बात की है, प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो ये तो यही रहेगा, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ने को नहीं यहां पर मैंने कंसिडर किया। मैंने ये बात की है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ही का रेट अगले साल का निकाल रहे हैं। यहां पर टोटल वेरिएबल खर्चे थे। हाँ, अगर मैंने आपको यह कहा होता कि पिछले साल की टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 600,000 रुपए थी, तो फिर यह भी होता और इनटू 1.1 भी होता। एक दो लॉस वाली कैलकुलेशन और हैं, वो कल करा के फिर मैं वेरियंस इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा। अब ये अगली बाकिया जिंदगी जितनी को है ये याद रखनी है। ये ना हमारी सोसाइटी में एक बात बोली समझी जाती है और उसको
एक अच्छा पहलू बताया जाता है कि भाई जबान का तेज है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है, जबान का सख्त है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तो ये एक क्वालिटी है कि चलो यार कोई बात नहीं, जबान का तेज है दिल का बड़ा अच्छा है। नहीं होती है बात। और ये एक एक सेव करने वाली बात है कि नहीं नहीं जबान का तेज है खैर है, दिल का तो अच्छा है ना। इसको इसको पहले तो मैं आपको ऐसे एक काउंटर मिसाल लेके इसका जवाब समझाऊं कि अगर कोई शख्स आपके अब्बा जी को आके गालियां दे और कहे दिल में बड़ी इज्जत करता हूं, दिल में बहुत इज्जत है मेरी, ये तो वैसे ही बस मैं जज्बात में आके गालियां दे रहा हूं, तो वो दिल की इज्जत होना काफी हो गई। तो ये जो जबान है ना, जबान ये इतनी खतरनाक चीज है। बुखारी 119। अच्छा, जबान से सिर्फ गालियां नहीं है, इसमें ताने भी शामिल हैं, इसमें झूठ भी शामिल है, इसमें तजलील करना भी शामिल है। तजलील, जलील कर, सबके सामने बेइज्जती कर देना, जलील कर देना, सख्त लहजे में बहुत ज़्यादा। बुखारी 119। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया। अच्छा, ये जो करैक्टर है ना, इस करैक्टर को सीरियसली समझें। हो सकता है कि आपके घर में आपकी अम्मी, आपकी खाला, आपकी बहन वो ये करैक्टर हों, और मिसाल चूँकि औरत के ऊपर बेस्ड है इसलिए अल्फाज औरत के हैं, इसको मर्द पर भी लगा सकते हैं, ये आप भी हो सकते हैं जो इस करैक्टर के अंदर आने लगे, मैं भी हो सकता हूँ, हमें इसको देखना पड़ेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, फ़लाँ औरत, किसी औरत के बारे में पूछा जा रहा है, रात को क़याम करती है, नफली इबादत होगी रात की बहुत ज़्यादा, दिन को रोज़ा रखती है और अमल भी करती है और सदका भी करती है। अब ये सारे वो चीज़ें जो बहुत बड़े बड़े अमल हैं, रात की इबादत ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज़ा और अमल भी है, सदका, और अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से अज़ियत देती है। ये आपके घरों के अंदर भी मसले हो सकते हैं जिसमें आप मालिक मकान हैं और आपकी अम्मी उस किराएदार को गालियाँ देती हैं, सख्त बात करती हैं, ये वो भी हो सकता है मामला, इसलिए अपने घरों के अंदर इस चीज़ को देखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस औरत में कोई खैर नहीं, यानी सारे अमल बेकार, वो आग वालों में से है। लोगों ने कहा और फला औरत, अच्छा इससे ये कम हरगिज़ ये मतलब नहीं निकल रहा कि वो अमाल डिग्रेड हो गए इससे, यानी अगर वो जो मैंने आपको अमाल बताए हैं, रात की इबादत है, नवाफिल हैं, उनकी कमी नहीं हुई है, दूसरे को तकलीफ देना इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गया कि बाकी अमाल बिल्कुल उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सके, ये उस अमल के बड़ा हो, उस सख्त अमल की सख्ती है ये, वो बाकी अमाल छोटे नहीं हो रहे इससे। लोगों ने कहा और फलां औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है बस, और मामूली सदका भी करती है और किसी को अजियत नहीं देती। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत वालों में से है। तो ये जो हमारा रवैया है ना टूवर्ड्स अदर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे बाकी अमाल को कहीं ओवर शेडो ना कर जाए। कल मुलाकात होगी।